अभी बड़ी अकीदत के साथ हमने जो खुदा ने मसीह का बदन और खून लिया है तो सारे अपने सिरों को झुकाएंगे और खुदावत की शुक्रगुजारी करेंगे कि खबर में फिर जिंदा करूंगा। तो आज हम सब का ईमान यह है कि जब खुदावत को हमने अपनी जिंदगी में कबूल किया है कि जिस तरह जकरई ने अपने घर में खुदावत को उतारा तो खुदावत ने कहा आज इस घर में निजात आई है, तो हम सबों का भी ईमान ये है कि आज खुदावत ने हमारे इन दिल के घरों को पाक साफ किया और हम में आज निजात की एक नई तारीख को जो चलाता है, तो उस निजात को हासिल करके आज दुनिया के कोने तक हम भी खुदावत की गवाही के वसीला बने। और आज बड़े ईमान के साथ थोड़ी देर सारे खामोशी में खुदावत की शुक्रगुजारी करेंगे। और मेरा खून पीता है वो मुझ में एक कायम रखता है और मैं उस हम दुआ मांगे। अरे खुदावंद हमारे खुदा बख्श दे कि हम एक दिन तुझे रूबरू देखकर हमेशा के लिए इस लुत्फ और रूहानी मुसरत से मामूर हो जिसकी पेश नमाई इस जिंदगी में तेरे बेटे का पेश कीमत बदन और खून लेने से होती है। हमारी ये दुआ कबूल कर मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन। मसीह खुदावंद हम अपने तमाम बच्चों को, अपनी तमाम बेटियों को, बहन भाइयों को, बुजुर्गों को कि जिन्होंने आज खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और खून को पहली दफ़ा हासिल किया, मैं चाहूँगा कि हम सब इनको जोरदार तालियां बजा कर इनको मुबारकबाद पेश करें और दुआ करते हैं कि खुदावंद आपको इस रूहानी गज़ा के जरिए और ज्यादा ईमान में बढ़ने की तौफीक अता करें। आज बड़ा अच्छा लगा कि बहुत सारे जितने भी बच्चे जिन्होंने हमने इम्तहानात भी लिए आपने बड़ी अच्छी तैयारी की, जो दुआएं क्लीसिया की दुआएं हैं हमने सीखी और बहुत बच्चे ऐसे भी हैं कि जिन्होंने ना बड़े मर के दुआवां सीखिया ने हैं जी, जैसे नहीं बोझ कंधे पे होता है। तो देखें हम अक्सर मिसाल देते हैं कि हमारे मुस्लिम भाई हैं उनके छोटे छोटे बच्चे जो हैं 30 पारे उनको जुबानी याद होते हैं, सानू इन छोटी छोटी जो दुआवां वो नहीं सानू याद होती हैं। इसलिए कोशिश करें कि आपको जब पीसिया की तरफ से जो भी हदायत दी जाती हैं और ये दुआएं जिनमें हम ईमान सीखते हैं, ठीक है, ये हमारे ईमान की बुनियाद है और ये बहुत जरूरी है, ये समझ लें कि सर्टिफिकेट है कि जिसको हम हासिल करेंगे तो हम दाखिला जो है वो हासिल करेंगे। जब तक ये इस इम्तहान में हम पास नहीं होते उस वक्त तक हमारा दाखला ममनू नहीं है, क्योंकि जब तक हम ईमान को अच्छी तरह समझ नहीं सकते, पाक यूहन्ना पाक कलीसिया की टीचिंग को अच्छी तरह उसको हम जान नहीं सकते तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप ऐसी रूहानी मशकों के लिए जहाँ पर खुदावंद के कलाम की बात होती है, जहाँ पर खुदा के कलाम को सीखने का आपको मौका मिलता है, तो आप अपना वक्त निकालें, चाहे जहाँ से भी निकालें, जितनी भी कोशिश करें। तो ये है खुदा के कलाम से मोहब्बत, और जो बस सुस्ती में रहते हैं, गफलत में रहते हैं, वो सारी ज़िंदगी उनका यही हाल होगा, ठीक है, जितनी मर्जी कोशिश कर ले सारी ज़िंदगी उनका ऐसा ही हाल होगा। लेकिन जो तैयार रहते हैं, जो सुस्त कमारियां हैं उन्होंने हमेशा सुस्ती रहना है, जो चुस्त हैं वो खुदावंत का इस्तकबाल करेंगे, खुदावंत को रूबरू देखेंगे, खुदावंत की बरकत पाएंगे। हालेलुया। हम आपको बिशप जी की तरफ से, अपनी सारी पास्टर टीम की तरफ से, अपने सारे पैरिशनर्स की तरफ से, अपनी सिस्टर्स की तरफ से, अपने सारे जो हमारी इंतजामिया हैं जिन्होंने ये बड़ा अच्छा अरेंज किया, उनकी तरफ से आप तमाम बच्चों को जो है, बड़ों को आज हम भरपूर तालियों में आपको मुबारकबाद पेश करते हैं।
ये अगर इंतजामिया कुछ कुछ लड़कियां तो ये थोड़ा सा अल्टर पीछे कर दें, हमने कुछ बच्चों को है जो हर बच्चे को मिलेगा, जिसमें बिशप जी के साइन हैं, इंचार्ज फादर पैरिश के साइन हैं, और इसके अलावा आज के दिन की डेट जो है वो लिखी गई है, और आपका नाम जो है वो इस पर बाद में लिखा जाएगा। ये सर्टिफिकेट अभी आपको दिए जाएंगे, आप बड़ी तरतीब के साथ लाइनों में आना है, ठीक है, लाइनों में आना है, और हम इलाका वाइज सबसे पहले हम चुविंडा सेंटर के जो जितने भी बच्चे खड़े हो Thank you.
ये हमारा सकरमिंट का सेंटर है, इन बच्चों को तैयार किया, जितने भी इनके टीचर्स हैं सारी क्लीसिया की सकरमिंट को हम मुबारकबाद पेश करते हैं, और बाबूजी को और सारे जितने भी हमारे बच्चे हैं इनको हम आज भरपूर तालियों में आज का ये पहली पाक्षरकत का साकरा आपको मुबारक हो। खुदावंद आपको इसी तरह अपने ईमान में कर सेंटर के सारे बच्चे जिनके लाका इंचार्ज बाबू क्रिस्टोफर हैं, और हम चाहेंगे बल्कि हम सब चाहेंगे कि हम इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं, और खास तौर पर हमारे बाबूजी हैं बाबू क्रिस्टोफर जिन्होंने बड़ी मेहनत की, बच्चों को तैयार किया, टीचर्स जितने भी इस सारे तैयारी में जिन्होंने अपना किरदार अदा किया, सबके लिए जोरदार तालियां और जोरदार हम इनके लिए दुआएं करेंगे। ठीक है, अभी अब अपनी अपनी जगह पर जाएं और फिर आपको छोटी बच्ची है स्नेहा, हाँ जी जारी रखें। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं
اسماعیل آباد جن کے علاقہ انچارج بابو تنویر ہیں جنہوں نے اس کلیسیا کو تیار کیا پہلی پاکشاک کے لیے زوردار تالیاں بجا کر ان کو مبارک بات پیش کریں گے زوردار تالیاں بابو جی کو ساری کلیسیا کو بچوں کو آپ سب کو پاکشاک کا ساکرمنٹ بہت بہت مبارک ہو تینکیو ویری مچ Thank you.
सिस्टर बन रही हैं और उनको दावत देते हैं कि वो आएं। और सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करेंगे बाबूजी के लिए, बाबू स्टार साहब के लिए, उनके सारे सेंटर के बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। हम आपको अपने पैरिश की तरफ से, बिशप जी की तरफ से, ब्रदर जी की तरफ से आप सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो और बाबू जी के लिए और सारे ये कैंडिडेट्स के लिए जोरदार ताली हो जाएगी। पाक्षरकत का सक्रामेंट हासिल किया। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां जहां जहां पर भी आप खड़े हैं, जिन्हें खड़ोते ने तालियां तो बजा दो और सब मिलकर तालियां बजाएंगे और इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। हम आपको अपने पैरिश की तरफ से, बिशप जी की तरफ से और सारी पास्टर टीम की तरफ से आपको पाक्षरकत का सक्रामेंट मुबारक हो। बाबू जी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की। थैंक यू वेरी मच। अभी मेन सेंटर, अभी मेन सेंटर के बच्चे हैं। अभी प्लीज आप बैठ जाएं, थोड़ा सा तहमल का मुजाहरा करें। आपने, आपको सारे लोगों ने बर्दाश्त किया, आप भी बैठ जाएं, सारे बैठ जाएं प्लीज। मेहरबानी से आप सब सुन रहे हैं। आ जाए बेटा, आओ चलते हैं। उससे जिंदगी मिली, उससे चाह
जिन्होंने बड़ी मेहनत की, चाहूंगा कि आप जोरदार तालियां बजाएं जहां जहां पर भी आप खड़े हैं, जोरदार तालियां बजाएं। हम तमाम बच्चों को बिशप जी की तरफ से, ब्रज जी की तरफ से, सारे सेंटर की तरफ से हम आप सबको आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और आपको पहली पाक्षर साकामिन बहुत बहुत मुबारक हो। भरपूर तालियों में जोरदार तालियां बजाएंगे। थैंक यू वेरी मच। तो फिर हम चाहेंगे कि आप ये जो सारा स्वागत देख रहे हैं, ये सारे प्रोग्राम का जो शहर इसके साथ साथ ही मैं पाजी शनाज जदाला से जो बाबू एरक के नाका से कि वो आकर फादर जी के साथ अपनी कीदत का इजहार करें। अच्छी बिना से बाजी मुस्तफा जो है वो भी फादर के साथ अपनी मोहब्बत का जो इजहार करेंगे। बाजी मुस्तफा और बाजी शनाज जो सामने आए जल्दी कहाँ जहाँ भी है। इसके बाद रंधावा से भाई नसीर वो भी आगे फादर जी के साथ अपनी कीदत का इजहार करेंगे और उसके बाद बाबू निशान के इलाका सकरमेंट से भाई प्रवेश फादर जी के साथ अपनी कीदत का इजहार करेंगे और बाबू निशान ब्रदर अयूब रहमत से अपनी कीदत का इजहार करेंगे और इसके साथ साथ जो भी मेन पैरिश से जो भी फादर जी के साथ अपनी कीदत का इजहार कर रहे हैं और भी जो करना चाहता है वो जल्द से जल्द आए और फादर जी और ब्रदर जी से अपनी कीदत का इजहार करें। भाई नजीर रंधावा से मेन पैरिश के जितने भी बच्चे फादर जी के साथ अपनी कीदत का इजहार करेंगे। जितने भी बच्चे यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने पहली पाक्षराकत का साकरामेंट हासिल किया वो सामने आकर फादर जी के साथ फोटो खिंचवाएंगे। शाबाश, जल्दी जल्दी आ जाए। 17 सेंटर की तमाम बच्चियां जो है वो सामने स्टेज पे आ जाए। 17 सेंटर की तमाम बच्चियां सामने स्टेज पे आ जाए। जितने भी बच्चों ने आज पहली पाक्षराकत का साकरामेंट हासिल किया है जो भी अपने यूनिफॉर्म में वो सब ऊपर आ जाए। और इसके साथ साथ इंतजामिया से गुजारिश की जाती है कि सभी लोग यहाँ पर मौजूद रहे, इबादत के बाद हम सारे काम को अच्छे तरीके से जो है आप सब सदा जरूर आमीन। इबादत हो चुकी, खुशी और सलामती में रहें, खुदावंद का शुक्र हो। यीशु के नाम पर जोरदार नारा लगाएंगे, बोलो खुदा यीशु मसीह की। यीशु के नाम पर जोरदार तालियां।
बेहतर बनाया, उनको भी मैं सलाम पेश करता हूँ और उनके उनका शुक्रगुजार हूँ। उनके लिए बहुत सी दुआएं और बहुत सी तालियां। इसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने रोजरी ग्रुप का, जो बसों से दिन रात चर्च की सफाई सुथराई, ये आप जो प्रैक्टिस देख रहे हैं, ये पालकी जो हमने सजाई है, ये रोजरी ग्रुप ने मिलकर तैयार की है। तो रोजरी ग्रुप जो हमारी पैरिश का बड़ा एक्टिव ग्रुप है, जो आप सबके लिए हर रोज रोजरी ग्रुपते हैं लगातार, मैं चाहूँगा कि इनके लिए बहुत सी तालियाँ बहुत सी दुआएं। इसके बाद हमारा क्वायर ग्रुप है प्रवेश खान साहब के जरिए। खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, किधर गए खान साहब, चले गए खान साहब का शुक्रिया, उनकी सारी टीम का और जानी जिसने आज कमाल का तबला बजाया, बड़ा मजा आया। और इन सब से भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू। ये जानी के लिए जोर जोर तालियां बजाएं, तबले का मजा आया आपको, मुझे आज खास बड़ा मजा आया यार, बड़ा खुदावंद आपको और बरकत दे। इसके अलावा हमारे ऑल्टर सर्विस हैं, छोटे छोटे बच्चे हमारे बड़े खिदमत गुजार हैं, 24/1/1/2/2 की तरह ये भागे आते हैं जब भी इनको कॉल करो, तो आपको भी हम शाबाश देते हैं, इनके लिए भी बहुत सी दुआएं और बहुत सी तालियां। हमारा भाई कैमरा मैन राहत भाई, ये सेकंड प्रोग्राम है जो ये उस पर यूट्यूब पर जीसस चर्च पाकिस्तान की तरफ से ये हमारा प्रोग्राम जो है वो नशर करते हैं केबल पर और ऊपर यूट्यूब पर। तो मैं राहत भाई को भी सलाम पेश करता हूँ और खुदमत गुजार हूँ कि खुदावंद आपको इसी तरह अपने जलाल के इस्तेमाल करे। आपने जो मिशन खुदावंद के लिए शुरू किया है, खुदावंद उसको उस बहुत ज़्यादा आपको तरक्की अदा करे। भाई राहत के लिए भी बहुत सी दुआएं, बहुत सी तालियां। भाई राजन जो जिन्होंने सारी लाइटिंग पंखों का इंतजाम किया, अभी ऊपर हमने नई तार डलवाई है जो कल ही हमने खरीदी है, काफ़ी एक्सपेंसिव तार है, लेकिन उन्होंने आज सारा दिन जो है इसकी वायरिंग पे लगाया, जनरेटर का इंतजाम किया। मैं चाहूँगा कि राजू भाई के लिए, राजू और राजन के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और दुआ हाँ 17 के हमारे भाई हैं विक्की भाई, शायद इधर के इधर ही होंगे विक्की भाई, जरा कितना विक्की भाई अच्छा बाबू क्रिस्टोफर की क्यादत में विक्की भाई यहाँ पर है, जिन्होंने आज ये खूबसूरत टेंट लगाया, हम उनके लिए भी दुआ गो हैं, उनके इस नजराने के लिए उन्होंने बड़ी ही मकबूल कीमत में हमें खूबसूरत जो है वो पंडाल सजा के दिया। मैं दुआ गो हूँ भाई विक्की के लिए, इसके ऑनर के लिए कि जिन्होंने फराख दिली के साथ इतनी दूर से यहाँ पर आए और हमारे इस इंतजाम को खूबसूरत बनाया। और जो भी जिनका नाम रह गया है 17 से, हमारे कुछ एल्डर्स आए हैं इंतजामिया कॉल प्रभावा से, कालो वाली से, ये सारे हमारी खिदमत कमेटी है, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।